उर्वा के लिए मावरा क्या है और मावरा के लिए उर्वा क्या है, तो ये दोनों बहना क्या कह बहना पूरा शो मैंने बोला है यार. आई थिंक मेरे लिए इम्पॉसिबल है लाइफ इमेजिन करना विदाउट हर. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में ऑब्वियसली होना ज़रूरी है. अब साथ हम एक दूसरे की एडवाइस के बगैर हमारा एक मिनट भी नहीं गुजरता. तो और ये चीज़ चेंज भी नहीं हुई, शादी के बाद थोड़ी सी बदल जाती है. बिल्कुल नहीं बदला और मुझे लगता है कि नहीं बदलना चाहिए. जरूरी होते हैं यार बहन भाई आपके सिबलिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट. जितना वो आपको जानते हैं कोई और नहीं जानता. उन्होंने सबसे ज्यादा आपके साथ जो है ना आपकी जिंदगी गुजारी होती है. तो मेरा ख्याल है कि आई मीन बॉटम लाइन कांट इमेजिन लाइफ विदाउट हर. मामरा तुम क्या कहोगी? यू नो आई रेड अ बुक, काई ट्रेनर, आपने भी शायद पढ़ी भी हो. उसमें दो बहन भाई होते हैं और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है कि बहन भाई से पूछती है कि विल यू बी विद मी फॉरएवर. तो वो कहता है यस फॉरएवर. और वो कहती है टिल माय लास्ट ब्रेथ. तो वो कहता है यस टिल योर लास्ट ब्रेथ. सो आई रिमेंबर सेंडिंग स्क्रीनशॉट उसका टू उर्वा एंड इनू. एंड आई थिंक आपके बहन भाई होते हैं जो आपके साथ पहले जिंदगी शुरू से लेकर एंड तक और ये जो सब रोमांटिक बातें होती हैं और फेरी टेल्स और फॉरएवर वाली बातें, फॉरएवर वाली बात आप सिर्फ अपने बहन भाई के लिए कर सकते हैं. बिकॉज़ दे आर विद यू इन योर गुड टाइम्स बैड टाइम्स. और बहना के बगैर तो आई कांट फंक्शन, आई कैन नॉट. तो हम वही सीरियसली तुम लोगों का प्यार नजर आता है.